फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। इस भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर परिक्ष प्रांगण में 2024 लोकसभा चुनाव वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह एक अनवरत कार्यक्रम का हिस्सा बने इस दिन से उत्तर प्रदेश के वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर मुझे भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण से करना पड़ा है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से लिया है, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का मैं अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5-10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं, क्यों योजना की घोषणा नहीं हुई है बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े वेदियां चुनाव पूर्व
संपन्न होनी है, और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण में महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल दो ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद जब भी नड्डा योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद जब भी नड्डा योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद जब भी नड्डा योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, ये गुण हमारा अद्भुत गुण, वाह वाह, एक गलती महाराज जी एक साम Thank you.